हम लोग कैश उठा रहे थे, कैश लोडिंग कर रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमारे दोनों आदमी पर चला रहा था गोली, जो कि मेरे एक साथी जो विजय भाई है उनको लग गया है, और हम भी है ना अभी घबराहट में ही है, नहीं पता चल पा रहा कि हुआ क्या है, हमको भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन देखिए हम तो अभी तक ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो है डैमेज हो गए, लेकिन साथ में हम दोनों आदमी फायर किए, वो जो बदमाश था उसके ऊपर फायर किए, उसको भी गोली लगा हुआ है, तब जाकर को भागा वहाँ से। कितने की संख्या में रहे हम? मात्र दो आदमी था, मोटरसाइकिल से आया। बैंक लूटने का प्रयास कर रहे हैं? बैंक कैश लूटने के चक्कर में आया। क्या नाम होगा आपका? रामदेव राम। सर साहू पोखर सेंट्रल बैंक के कैश लेने के लिए कैश वाहन आया, और जैसे लोड होने लगा कि उधर से दोनों बाइक आया और दो सब था, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हमारे गार्ड साहब उसके जवाबी कार्रवाई फायरिंग किए, जिस पर एक को गोली लगा है, पीछे बाइक पर बैठा करके आगे बाइक से अपराधी भाग गया। लगभग कई राउंड फायरिंग किया होगा? करीब 5-6 राउंड उनका फायर हुआ खूब लगातार। अपराधी कई राउंड फायरिंग किया है? 5-6 राउंड उनका भी फायर काफी। गार्ड साहब की तरफ से कितना फायरिंग? अब ये तो गार्ड साहब बताएंगे, 2-3 राउंड गार्ड साहब की तरफ से फायर हुआ, जिस पर फायर उसको लगा है और आगे बैठा करके आगे चल दिया। नाम क्या है गार्ड साहब का? कितना पेटी रखा गया था? एक जुरन साहब के गार्ड साहब विजय कुमार है, उनको फायर गोली लगी। कंपनी की कैश बैन थी? अमरपाली सीबीआई सेंट्रल बैंक का कैश बैन है। कितना पेटी रखा रहा था? कैश लूट होने के लिए आया था, उसी समय एक मोटरसाइकिल पर दो अपराधकर्मी आए, उसके द्वारा फायरिंग किया गया जी। गार्ड के द्वारा भी फायरिंग किया गया है, इसमें वो लोग भागे हैं, अपराधी भागे हैं, एक मोटरसाइकिल पर दो थे। कैश लूट की घटना नहीं घटी है? सीसीटीवी वगैरह बस वही देख रहे हैं, वही काम कर रहे हैं हम लोग।